कल जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, अभी वो टेस्ट मैं लोग के सामने शेयर कर रहा हूं। एक सेकेंड रुकिए। देखिए बेटा, यही टेस्ट था बेटा, सभी को टेस्ट दिखाई दे रहा है, तो एक बार बताइए बेटा चैट बॉक्स में फटाफट। अगर टेस्ट आप लोग के पास अपीयर हो गया है तो मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बता दो भाई। ठीक है भाई, देखो भाई, कल टेस्ट था ये आप लोग के पास। आपने अपना नाम फिल करना था, जैसे कि मैंने कृष्ण कुमार फिल कर रखा है, अपने अपनी क्लास और एक कॉन्टेक्ट नंबर, ये फिल करना था। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात, ये तो कर दिया था आप लोगों ने जिन्होंने टेस्ट दिया था। नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर। अरे हो जा भाई, नेक्स्ट। मिनट रुको भी, एक आ गया भी टेस्ट आप लोग के साथ। बताना भी अगर टेस्ट हो गया तो जल्दी स्पीड से बताओ, फिर सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है भाई, योगेश को दिखाई देने लग गया, तो सबको दिखाई दे रहा होगा। देखो भाई, पहला क्वेश्चन था हमारे पास, द वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिट डिस्टेंस टू अ पॉइंट एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डब्ल्यू। ठीक है, कहता वर्क डन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के लेके जाना है इनफिनिट डिस्टेंस से पॉइंट एक्स तक, कहां से पॉजिटिव चार्ज के पास से, वो वर्क डन डब्ल्यू आता है। कहता पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, तो बेटा पोटेंशियल किसके तरह होता है, पोटेंशियल उस वर्क डन की तरह ही तो स्टोर होता है, तो किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू के, जो कि ऑप्शन अपने पास क्या है, बी, बी ऑप्शन की तरह अपना यहां पर आ जाएगा आंसर। क्योंकि देखिए बेटा, आप ये सोचोगे कि डब्ल्यू बाय क्यू आना चाहिए था जी। ठीक है, हमने उठाया किसको है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब चार्ज की चार्ज और मैग्नीट्यूड कितना, वन, तो डब्ल्यू बाय वन, वन ही तो आएगा वो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी, और जो कैपिटल क्यू दे रखा हो तो सोर्स चार्ज है बेटा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी, जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर लगाया था उनका सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वली स्पेस्ड, ये कोई जरूरी नहीं है,
हैव इक्वल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यस हो सकता है. ऑन विच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इज जीरो, यस हो सकता है. तो बेटा बोथ बी एंड सी फोर्थ ऑप्शन में था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सही. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास. विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव का नाम आप लोगों को पता है, इनवर्ड की तरफ होता है बेटा. ठीक है, रेडियली इनवर्ड. तो रेडियली इनवर्ड आपको कहां दिखाई दे रहा है, ए में या बी में या सी में या डी में? आपको दिखाई दे रहा होगा कि बी में रेडियली इनवर्ड है. ठीक है, तो आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. जिन्होंने बी लगाया था उनका ठीक है, जिन्होंने बी नहीं लगाया उनका गलत है. ये तो एक एक पेज उठाने पड़ेंगे यहां से. अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास. ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा शायद आप लोग को, बट समझ में आ रहा था, ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं थी. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट ओ एक्स वाई जेड ऑल इन मीटर, सारे मीटर में है, इन स्पेस इज गिवन बाय वी इक्वल टू 4x² वोल्ट. वी इक्वल टू 4x² वोल्ट, वी इज इक्वल टू 4x² ठीक है, ये दिया हुआ है. और वो कहता कहता इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ 1 मीटर, 0 और 2 मीटर पे इन वोल्ट पर मीटर, पर हमें आंसर बताने थे नीचे ए बी सी की फॉर्म में. ठीक है, तो बेटा आपको पता है ई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, माइनस डी वी अपॉन ई. अपना होता है बेटा ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स. जब आप 4x² का, जब आप 4x² का डेरिवेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा आप लोग के पास क्या आएगा, आप लोग के पास आएगा, आप लोग के पास बनेगा बेटा ई इज इक्वल टू माइनस, ऑलरेडी पढ़ा है, और उसका कितना हो जाएगा 8x. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब -8x, एक्स की वैल्यू आपको पॉइंट में देखो ब्रैकेट में दे रखी है 1 मीटर 0 2 मीटर, तो वहां एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, आप कहोगे 1 मीटर है. 1 मीटर जब पुट करोगे तो आपके पास आंसर बेटा कितना निकल के आएगा, -8. तो ऑप्शन देख लो, 8 अलोंग -x एक्सिस, 8 अलोंग +x एक्सिस, 16 अलोंग -x एक्सिस, 16 अलोंग +x एक्सिस. तो अपना 8 अलोंग -x एक्सिस आ रहा है बेटा, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर. ठीक है, इस क्वेश्चन में अभी भी किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई, जल्दी बोलो भाई, किसी को समझ ना आया तो, और समझ में आ गया तो भी बता दो. हाँ भाई जल्दी बताओ भाई, समझ में आ गया तो. ठीक है भाई, एक ही बच्चों समझ में आया क्या, बाकी किधर है? अगला क्वेश्चन है बेटा, चूज करेक्ट वन. इसमें से करेक्ट वन को चूज करना है. विच ऑफ द फ्लोविंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, इन अ रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, इन अ रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल. बेटा देखिए, जब पोटेंशियल कॉन्स्टेंट हो गया तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इज इक्वल टू -dv/dr. ई बेटा क्या होता है, -dv/dr. जब v कांस्टेंट हो गया है तो बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर 0 होगा तो बेटा e की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0. ऑप्शन पढ़ लो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. बी ऑप्शन मिल गया, लगा दो ऑप्शन नंबर बी. जिन्होंने बी लगाया था उनका सही है, जिन्होंने नहीं लगाया उनका गलत है. ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन था चूज द करेक्ट वन. 64 ड्रॉप ईच हैविंग द कैपेसिटी सी एंड पोटेंशियल वी आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप. 64 ड्रॉप्स है, कैपेसिटी सी है, पोटेंशियल वी है. इफ चार्ज ऑन द स्मॉल ड्रॉप इज क्यू, छोटी पे अगर चार्ज क्यू हुआ देन चार्ज ऑन द बिग. बेटा सीधा दिखाई दे रहा है, एक पे चार्ज क्यू है, टोटल ड्रॉप
64 दे रखी है, तो टोटल चार्ज होता क्या है, क्यू एन ई, एन दे रखा है 64, ई आपको बता ही रखा है इन्होंने क्यू, तो क्यू इंटू 64, 64 क्यू, तो सीधा सीधा बेटा आंसर बन रहा था ऑप्शन नंबर डी। बड़ा आसान था क्वेश्चन, जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया है उनका सही है, जिन्होंने नहीं लगाया उनका गलत है। यहां तक के क्वेश्चन में बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है तो। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डिमेंशन ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। कहता फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस का डिमेंशन फॉर्मूला बताओ। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो ई क्या होता है, माइनस डीवी अपॉन डीएक्स या डीआर। माइनस शो कर रहा है फॉल को, डीवी मतलब पोटेंशियल, पर यूनिट डिस्टेंस मतलब डीएक्स, मतलब आपसे घुमा फिरा के उसने किसका डायमेंशन होगा पूछा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी का। और ऑप्शन आप लोग इसका तो बना ही लोगे, ऑप्शन नंबर आएगा इसका बेटा सी। ठीक है, बना के देख लो, सी आएगा। ठीक है, बताओ भाई किसी को दिक्कत है जल्दी बोलो भाई फटाफट, किसी को दिक्कत है तो अभी भी फटाफट करवा देंगे। आगे भी समझ, एक बार सारे बताओ भी, सबको समझ में आ गया तो। हाँ भी साहिल सोनी, क्या नहीं समझ में आया, जल्दी बोल बेटा क्या बताना है। आलोक को आ गया भाई, जल्दी बोलो भी, सारे बोलो फटाफट, जिसको नहीं आया उसको करवाते हैं फटाफट। योगेश को आ गया भाई, साहिल को आ गया, पंकज को आ गया, आदित्य को आ गया, और बच्चे कहाँ हैं, जिसको नहीं आया वो बताओ भाई, क्या चीज समझ में नहीं आई उसको वो चीज समझाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। रितु मुस्कान वो नहीं है क्या यहाँ प्रेजेंट, चलो रिकॉर्डिंग वीडियो भेज देंगे। ठीक है, ये हो गया अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th। अब बारी आ गई भी क्वेश्चन नंबर 10वें की। 10वां है, दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट मेक एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ थीटा। देख लो भाई मैक्सिमम कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम बेटा कब होती है, जब एंगल पाई का बनता है। ये बात आपको जब पोटेंशियल करवाया गया था तब बताई गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बी को टिक कर सकते हो, जिन्होंने टिक किया उनका ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनका गलत है। नेक्स्ट है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा एनर्जी ऐसे पैसा दिखाई दे रहा है, तो एनर्जी के लिए यूनिट क्या आएगी बेटा, जूल, सीधा सीधा दिख रहा है एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए यूनिट क्या बनेगी बेटा, जूल। ठीक है, बाकी कोई और जच नहीं रहा था यहाँ। और देखिए बेटा यहाँ पर अर्ग भी दे रखा है, अर्ग बेटा सीजियस यूनिट है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि सीजियस यूनिट क्या आएगी, तो बेटा आप लोगों ने अर्ग पे टिक करके आना था। ठीक है भाई, ये हो गया 11वां क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12वां क्वेश्चन, चार चार्ज है बेटा, क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर क्यू, प्लेस्ड है ए बी सी डी, नीचे डायग्राम दे रखा है। ओ पे दी फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ द हैज डायरेक्शन, डायरेक्शन बता दी सिर्फ। देखिए भाई प्लस क्यू के कारण रिपल्सिव वो इस तरफ भेज देगा, और थ्री क्यू इधर भेजेगा, नेट थ्री क्यू ज्यादा है तो नेट किस तरफ आएगी, इस तरफ, नेट फील्ड हमारे पास आ जाएगी इस तरफ, इन दो के कारण। ठीक है, अब बच गया जी फोर क्यू, फोर को भेजेगा ऊपर की तरफ, टू क्यू भेजेगा नीचे की तरफ, ज्यादा है फोर क्यू तो बचेगा कौन सा, सिर्फ ऊपर वाला,
समझ गए बात। पहले ए पे देखो, क्यों क्यों सी की तरफ भेजेगा, और थ्री क्यों जो सी पे पड़ा है वो ए की तरफ भेजेगा। ज्यादा बड़ा कौन है? थ्री क्यों। तो थ्री क्यों कहां भेजेगा? थ्री क्यों भेजेगा ए की तरफ, ठीक है। तो वहां से, एक सेकंड रुको भाई, ए की तरफ भेजेगा सी, और डी भेजेगा बेटा बी की तरफ। अब इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है भी। और ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो ऊपर किसकी तरफ है? ए बी की तरफ है। ए बी तो खुद बेचारा दाएं से बाएं है। सी बी ऊपर की तरफ है बेटा। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आ जाएगा आंसर सही, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन थे, थोड़ा दिमाग से करते। तो जिन्होंने लगाया निशान सही है उनका, जिन्होंने नहीं लगाया उनका गलत है। अगला क्वेश्चन है, एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए बेटा, मैंने जब आप लोगों को करवाया था इलेक्ट्रिक डाइपोल, तब हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्स लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पोटेंशियल भी होता है, बट इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल वैल्यू जीरो आई थी। जिस बच्चे ने ध्यान से किया उसको पता है, ठीक है। इसने पूछा हमसे एक्स लाइन पे, एक्स लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा? जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस? ना, ये भी नहीं होगा, ये तो अलोंग आती है। नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो, ये सही है भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने के लिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 14th क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन था ये। हाँ भाई योगेश, बताओ क्या बात होगी? लो भी फटाफट आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10^5। इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन मीटर, ठीक है। द चार्ज ऑन द डायपोल इफ डायपोल लेंथ इज, बड़ा आसान सा था बेटा, सारा कुछ दे रखा है, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। देखिए बेटा कैसे करेंगे, कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया गया 30 डिग्री के एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंटेंसिटी दे रखी है, एक्सपीरियंस है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला लिखो फटाफट, क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला? आप अपनी नोटबुक में लिख लो। टाउ होता है पीई साइन 30 आ जाएगा, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू बताओ भी फटाफट क्या होती है? साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2, 1/2, ठीक है। और 4 न्यूटन का टॉर्क लग रहा है। जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे बेटा तो सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। कैसे? 4 = P, P दे रखा है, P Q × 2A, Q × 2A दे रखा है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को जब मीटर में करोगे तो 10^-2 और लिख लेना साथ। साहिल सोनी
आया आंसर इसका 1/2। अच्छा वो कोस की साइन की साइन थर्टी की वैल्यू बताइए। टोर की जगह 4, पी की जगह क्यू इन टू में 2 ए, ए की वैल्यू 10 की पावर माइनस 2 में आएगी बेटा, सेंटीमीटर में है ठीक है। इन टू में ई, ई कितना है 2 इंटू 10^-5, प्लस का 5 अभी, प्लस का 5, और साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कट गया, वैल्यू निकालनी है क्यू की, इस 2 से ये 2 से ये कट गया ठीक है। तो देख लो पावर कितनी बची है, तो यहां 2 वाला आंसर देखो बेटा सबसे पहले, तो 2 वाला आंसर कौन सा है, 2 वाला आंसर है आंसर नंबर डी, बस बन गया। टू वाला आंसर है हमारे पास, और आंसर नंबर डी भाई हो जाएगा आंसर इसका ठीक है, चेकआउट कर लो। अगला है 12 चार्जेस ऑफ क्यू आर सिचुएटेड एट कॉर्नर ऑफ द 12 साइड ऑफ पॉलीगन ऑफ साइड ए, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज सेंटर, सेंटर में बेटा हमेशा जीरो होता है, आप निकाल के देखोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा, जीरो आंसर आएगा ठीक है भाई। 15 ही क्वेश्चन थे, 15 के 15 मैंने आप लोगों को करवा दी सॉल्व ठीक है। अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बताओ भाई किसी को डाउट है तो जल्दी बोलो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो मैं अभी करवा दूंगा। आसान सा टेस्ट था, उसके अंदर भी आप लोग के ठीक ठीक ही मार्क्स आए हैं ठीक है भाई ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्लास बेटा मंडे को ही लग पाएगी, अब तो टेस्ट सॉल्व करवा दिया आज मंडे को सही 11 बजे, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास लगा लेनी है ठीक है, क्लास जरूर लगानी है, आज लोग भी आया भी क्लास लगाने के लिए, वेलकम ये लोग ठीक है। कोई बच्चा बेटा अगर ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है तो वो बेटा मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, प्रवेश बैनीवाल बेटा तू 12 बजे आ जियो ठीक है, हम 11 बजे क्लास लगा लेंगे तो 12 बजे आ जाइए।